आज हम लोग यूनिट वन को समझेंगे। यूनिट वन जो क्वेश्चन है उसमें जनरल एप्लीकेशन ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, जनरल एप्लीकेशन ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हीट एक्सचेंजर, इवेपोरेटर, ये कुछ फंडामेंटल चीज है। अब इंजीनियरिंग में होता क्या है वो भी एनवायरमेंट के सेक्शन में, यदि हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को देख रहे हैं तो यहां पर आप देखिए दो शब्द आपको मिल रहे हैं, एक एनवायरमेंट मिल रहा है और एक इंजीनियरिंग मिल रहा है। ये बहुत फ्रूटफुल हो गया। अब एमएससी का जो आपका सिलेबस और पैटर्न बन गया वो मैथ वालों के लिए भी इंपाउंड हो गया, क्योंकि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का स्कोप इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंटों के लिए बहुत ज्यादा है, अनंत स्कोप, पैसे की कोई लिमिट नहीं। आप अगर काबिल हैं तो आईआईटी मुंबई आपका इंतजार करता है। अब इन्वायरमेंट के टूल्स और टेक्निक्स का इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में टूल्स का इन्वायरमेंट, इसको इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में ले जाता है। यहां पर हम हर चीज को मैथमेटिकल, हर चीज को डिजाइनिंग के एस्पेक्ट में देखते हैं। जो एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का पोर्शन है वो एग्जैक्टली एमटेक का सिलेबस है पूरा, दैट्स व्हाई इट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर द स्टूडेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। अब यहां पर हम कुछ मूलभूत चीजों को देखेंगे। इंजीनियरिंग मतलब ही कन्वर्जन, कोई सब्सटेंस, कोई केमिकल, कोई कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिजाइनिंग, लेआउट, ये सारे के सारे प्रोसीजर को हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में देखते हैं। और जनरल प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पहला लाइन ही ये कहता है कि कन्वर्जन ऑफ कंपोनेंट और मिनरल और रिसोर्स और प्रोडक्ट फॉर यूजफुल पर्पस फॉर किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल पर्पस। और फिर यही चीज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हमको पढ़ना होता है कि कोई भी मटेरियल कन्वर्जन किसका हो रहा है, रिसोर्स का हो रहा है, मिनरल का हो रहा है, रॉ मटेरियल का हो रहा है, ठीक है, किसी भी चीज का कन्वर्जन हो रहा है, ये कन्वर्जन यूजफुल पर्पस के लिए हो रहा है। और किस यूजफुल कौन करेगा, एनिमल तो करेगा नहीं, ये प्लांट भी करेगा, तो ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ह्यूमन बीइंग अपने यूजफुल पर्पस के लिए किसी भी मिनरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन कन्वर्जन करने के लिए जो भी फंडामेंटल टूल एंड टेक्निक का इस्तेमाल करेगा उसको हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में देखते हैं। एनवायरमेंट का जितना भी सिस्टम है ये और ज्यादा मॉडिफाई होता है इंजीनियरिंग के एनवायरमेंट हो जाने पर, ठीक, क्लियर। रिसोर्स में, मिनरल में, रॉ मटेरियल में, ये सबको अगर हम गौर से देखें तो ये आर आर केमिकल्स, और केमिकल का हमको प्रयोग करना है विथ मिनिमम डिस्चार्ज, मिनिमम वेस्ट। तो मिनिमम वेस्ट होगा तो टूल की इफिशियंसी इंक्रीज करेगी, जितना इफिशियंट टूल होगा उतना मिनिमम वेस्ट होगा, जितना मिनिमम वेस्ट होगा उतना मिनिमम पॉल्यूशन होगा, जितना मिनिमम पॉल्यूशन होगा उतना ही हम ग्रीन इंडेक्सिंग की तरफ अपने कंट्री को ले जाएंगे। तो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट इसको सरल बना देता है कि कैसे हम किसी भी पोल्यूटेंट को हैंडल करें, किसी भी पोल्यूटेंट को कैसे हैंडल करें, इन्वायरमेंटल ग्राउंड पे हैंडल करें, ठीक है, इन्वायरमेंटल ग्राउंड पे। अब मान लीजिए अगर इंजीनियरिंग नहीं होता तो जो चिमनियों से धुआं निकल रहा था वो निकलता चला जाता, वो कंटिन्यूअस निकल रहा, उसको कोई रोक टोक की जरूरत नहीं थी। फिर एनवायरमेंटल लॉ आया, तो लॉ आया तो लोगों ने उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया,
जब लॉ को इंप्लीमेंट करना शुरू किया तो भाई समस्या ये उठी कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें, हमको ये भी कोई टेक्निक दीजिए। अब वहीं से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होता है। BS6, BS4, टेस्ला मोटर्स, हाइब्रिड कार, ये सब क्या है? ये सब इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में डिजाइन किया गया प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है, हम सोलर की तरफ मूव किए, तो सोलर की ऊर्जा को हम तो जान रहे थे कि हमारे पूरी धरती पर सनलाइट आती है 1360 वाट पर मीटर स्क्वायर में, ये सोलर कांस्टेंट है। परंतु हम इस सनलाइट को हार्नेस कैसे करें कि हमारे लिए ये फिजिबल हो जाए, क्योंकि धरती का बढ़ रहा तापमान जो है ये हमें होने नहीं दे रहा है। हमको अपने पूरे धरती के तापमान को जो एग्रीमेंट है उसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रखने को था। क्यों? क्योंकि अगर धरती का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है तो उससे हनी भी मधुमक्खियों का जो प्रजनन प्रक्रिया है वो इंपैक्ट में आ जाएगा, और उसके इंपैक्ट में आते ही क्या होगा कि हमारे धरती पर पॉलिनेशन कम होगा। और आइंस्टीन ने कहा है कि अगर मधुमक्खियों को हम पूरे धरती को मार दें तो मनुष्य की सभ्यता 4 से 6 साल में विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि खाने को ही नहीं मिलेगा आपको कुछ। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग देख रहा था कि भाई प्लांट तो सनलाइट को ले ले रहा है और सनलाइट को वो अपने पास बढ़िया से इस्तेमाल कर रहा है, हाउ ह्यूमन बीइंग कैन हार्नेस दिस। तो हमने बनाया सोलर। हमने देखा कि हमारे पास हवा है, हवा प्रचुर मात्रा में पहाड़ों पर है, उससे हम ऊर्जा कैसे लें? ये सब क्या है? ये सब रिसोर्स है जो हमको शिफ्ट करती है फॉसिल कंजम्पशन से नॉन फॉसिल कंजम्पशन की तरफ। हमें फॉसिल फ्यूल का एडिक्शन जो हमको आदत लग गई है छोड़ना है, और इसको अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो वी आर इन ग्रेट ट्रबल, क्योंकि पूरे 9 प्लेनेट में धरती पर के चारों जो घूम रहे हैं उसमें केवल अर्थ है जिसमें जीवन है और कहीं पर जीवन नहीं है। तो इंजीनियरिंग हमको ये फैसिलिटी देती है कि हम नए नए टेक्निक को इफिशियंटली डिजाइन करें, और इफिशियंटली डिजाइन करके उसको हम वर्ल्ड में लाएं, इंपाउंड करें, लोगों के बीच लाएं। अगर इंजीनियरिंग उन्नत होगी, जितनी ज्यादा इंजीनियरिंग हमारी उन्नत होगी उतना ही ज्यादा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हमारा होगा। इसीलिए भारत सरकार ने जो है यूनिवर्सिटी को दिशा निर्देश दिया कि आप जब MSc का एडमिशन प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें आप मैथमेटिक्स और बीटेक के बच्चों को भी इन्वॉल्व करें एनवायरमेंटल साइंस के लिए। तो इसको KRI ने सबसे पहले ऑफर कर लिया, और अब हमारे यहाँ भी बीटेक और उसके बच्चे आएंगे पढ़ने, क्योंकि वो ऑलरेडी वो जान रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का मतलब, और उसके बाद से वो इसको बहुत इफिशियंटली एमटेक में इस्तेमाल करने वाले हैं। एप्लीकेशन में ये चीज हम ध्यान देंगे, इसी चीज को हम पढ़ेंगे कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो एप्लीकेशन है उसके वो कहाँ कहाँ लगी हुई, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट जनरेशन में, रॉ मटेरियल में, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, डिजाइनिंग लेआउट प्रोसीजर्स में। इसके बाद से हमारे पास आएंगे हीट एक्सचेंजर, हीट इवेपोरेटर। हीट एक्सचेंजर को हम देखेंगे और हीट इवेपोरेटर को देखेंगे। इसमें हम ट्रांसफर ऑफ हीट देखेंगे, मूवमेंट ऑफ हीट, मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम वन फेज टू अनदर, फेज वन से फेज टू पर जाना हीट का। और यहां पर भी हम हीट का यूटिलाइजेशन करेंगे, यहां पर भी हम हीट का यूटिलाइजेशन करेंगे। हीट से ऊर्जा भी मिलेगी, हीट को कैसे कंट्रोल करें, कैसे मिनिमम लॉस हो, इसके बारे में हमको यहां पर पढ़ना है। पूरा का पूरा हीट एक्सचेंजर और इवेपोरेटर इसी बात पर निर्भर करता है। एक्सचेंजर्स कई प्रकार का होता है, रिक्रिप्टिव, रीजनरेटिव एंड मिक्स्ड टाइप। रिक्रिप्टिव, रीजनरेटिव एंड मिक्स्ड टाइप। इवेपोरेटर जो है वो भी कई प्रकार का होगा, आप पढ़ेंगे इसमें हम। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, दो मेजर टाइप्स। वर्टिकल में शेल एंड ट्यूब, हॉरिजॉन्टल में भी शेल एंड ट्यूब, शेल एंड ट्यूब दोनों में रहेगा, वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी, बस सकते बस उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, वो वर्टिकल होगा ये हॉरिजॉन्टल होगा। फिर मूवमेंट ऑफ हीट देखेंगे फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। वन फेज टू अनदर फेज पर हम जिसको कैलकुलेट करेंगे वो डेल्टा जी है, जो रिलेट करता है गिब्स से, गिब्स एनर्जी इक्वेशन से।
इसके बाद से हम इसमें सबसे मजेदार चीज देखेंगे आपका इवेपोरेटर आता है एंड कंडेंसर्स, जिसमें हम इवेपोरेटर में फेज सेपरेशन को देखेंगे, फेज सेपरेशन को देखेंगे और कंडेंसर में हम देखेंगे कि कैसे इवेपोरेटर में कंडेंसर काम करता है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में एक डिस्टिलेशन यूनिट है, ठीक है, इस डिस्टिलेशन यूनिट में ऊपर इसके यहां पर कंडेंसर लगा हुआ है, इधर से पानी इनलेट होता है, ये कंडेंसर इसको पानी को ठंडा करने के लिए यहां से भाप निकल रही है, इधर पर रॉड है, ये रॉड हीट को प्रोवाइड कर रहा है, इसमें हम पानी भरते हैं और पानी इवेपोरेट होकर इस कॉलम में जाता है और इस कॉलम में जाकर इससे फिर ये बाहर आउटलेट कलेक्ट किया जाता है, सिंपल डिस्टिलेशन यूनिट। तो सिंपल डिस्टिलेशन यूनिट में भी हम कंडेंसर को देख रहे हैं, तो ये किस पोजीशन में है, वर्टिकल है, तो इसमें भी हम कंडेंसर को भी कई टाइप का देखेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कंडेंसर भी शेल एंड ट्यूब टाइप के होंगे, कंडेंसर भी शेल एंड ट्यूब टाइप के होंगे। ये आपका यूनिट वन का फेज है जिसको हम अपने क्लास में स्टडी करेंगे फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। थैंक यू।